भागलपुर के एक निजी नर्सिंग होम के बाहर मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर सही इलाज न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया, जहां परिजन बीच सड़क पर लेट कर रोते बिलखते भी नजर आए तो अस्पताल प्रबंधन पर ज्यादा रकम की डिमांड करने का भी आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि हम सभी मामूली बीमारी को लेकर अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती करवाए थे और उन्हें यहां आईसीयू में एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं बताई गई और अचानक उनकी मृत्यु हो जाने की खबर हम लोगों तक फोन के माध्यम से पहुंची। हम लोगों ने 15,000 अस्पताल प्रबंधन को दे दिया था, अब उनके द्वारा 2,00,000 की मांग की गई थी, लेकिन इससे पहले ही मरीज की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया, मेरे पिता के गले पर सुई देने के निशान है जहां से काफी खून भी बाहर है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वहीं हंगामा की सूचना पर पहुंची जोगसर थाना के दरोगा शक्ति पासवान ने परिजनों और अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मामले की जांच की बात कही। हालांकि परिजनों द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन आदमपुर स्थित तपस्वी नर्सिंग होम डॉक्टर के लापरवाही का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मामले में कई मरीज की मौत पहले हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि उनके परिजनों को बता दिया गया था कि बीमारी के बारे में। वहीं जब परिजनों ने चिकित्सक पर कई आरोप लगाए तभी सफाई देते हुए चिकित्सक के एक कर्मी ने साफ तौर पर कहा कि यह इल्जाम बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पर कोई संज्ञान लेती है, क्या दोषियों को सजा मिल पाती है या फिर इसी तरह गरीब और लाचार मरीज चिकित्सक के चंगुल में फंस कर परेशान होते रहेंगे। कमर में दर्द, पैर में दर्द थे सर, कल रिपोर्ट के लिए सर, और कुछ नहीं। कब आए थे? कब आए? आज ही सुबह सुबह आए। उसके जोर है ना, नहीं मेरा पापा है, पिताजी। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पर कल सिर्फ पैर में दर्द था और कमर में, और ले गया ये सीरम भर्ती करने के लिए। हम बोला कि पिताजी को देखने दीजिए, बोला क्या कि नहीं देखने देंगे, जब समय होगा एक घंटा तब देखने देंगे। और जब के वहाँ पर फिर डॉक्टर वहाँ किया कि 2,00,000 रुपया लगेगा, कौन सुई पड़ेगा? 2,00,000 रुपया लगेगा, कौन सा सुई पड़ेगा? हम बोल के ठीक है, क्योंकि सब में रिपोर्ट आएगा तब हम बताएंगे। अभी पटना के आए रिपोर्ट, अभी जांच करेंगे। बोला क्या कि पटना के आए जांच करेंगे, सब में रिपोर्ट आएगा तो कॉल करना, जो है 2,00,000 रुपया पर लगना पड़ेगा, तब होगा उसका इलाज। ये बोला डॉक्टर साहब, बोला है कि 2,00,000 रुपया लगे तब इलाज होगा। और किसी का नहीं, 11 बजे ये ऊपर आए हैं और एक सी रूम में जब भर्ती किया वहाँ पर किसी को जोर नहीं दिया, नहीं सकल देखने दिया, एक बार नहीं। सुया कहाँ लिया दिया? सुया गला में दिया, यहाँ पर वहाँ पर देखिए मेरे पिताजी को गला में सुया, वहाँ पर देखो खूब पलट गया, गंजी तंजी सब भींज गया है पलट से, गंजी तंजी सब भींज गया है पलट से। और गला जबकि डेट हो गया तब फोन करके बोलाया और वो 5 मंजिला पे ले गए। जोगिंदर साहब कहाँ से आए थे आप? इटारी से आया, रामचंद्रपुर इटारी, अमरपुर, थाना अमरपुर पड़ता है। क्या बोलिए? जो परिजन आरोप लगा रहा है क्या है सही? देखिए परिजन जो आरोप लगा रहे हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, पेशेंट क्रिटिकल था, पेशेंट सीरियस था। इसको विनय सर, जो विनय कृष्ण सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो कि रेफर किए थे यहाँ पर पेशेंट को, सर देखने के बाद सर स्पष्ट रूप से इसके फैमिली वाले को सारे बता दिए हैं। पेशेंट का रिपोर्ट जांच गया था। पेशेंट किस डॉक्टर की निगरानी में था? पेशेंट अभी जो निगरानी में आया था तो शशिकांत जोशी की निगरानी में अभी आए ही थे, एक घंटा आधा घंटा हुआ था पेशेंट का, ठीक है ना, एक घंटे के अंदर पेशेंट का जाँच गया। मतलब परिजन का आरोप है कि कमर में दर्द था, यह गलत है सर। क्या कहा? बीमारी, यह गलत बीमारी रिपोर्ट बता रहा है कमर दर्द का, रिपोर्ट नहीं बता रहा है उस, इसका रिपोर्ट देखिए ना सर, विनय कृष्ण सर का रिपोर्ट देखिए, इसमें सारा लिखा हुआ है। डिमांड किया गया है कि नहीं सर, यह गलत है सर, यह गलत। क्या नाम हुआ? भागलपुर के श्यामपुर के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार झा, जो 10 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसका नाम टॉप 10 कुख्यात अपराधी में शामिल था, उसे पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। यह बिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। टॉप 10 कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र कुमार झा 2008 से ही फरार चल रहा था। उसके ऊपर चोरी, डकैती ऐसे कई जघन्य अपराध दर्ज है, इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर SP अमित रंजन ने दी। उन्होंने कहा कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार कर रहे थे। जब इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया तो सबसे पहले कहा कि बिहार पुलिस आपका स्वागत करती है, और सीधे हाथ में हथकड़ी लगा दी। हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भागलपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि
जो कि भागलपुर पुलिस के टॉप 10 कुख्यात अपराधी जो धर्मेंद्र कुमार झा नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से। ये श्यामपुर का रहने वाला है और ये पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था। इसके ऊपर अभी तक हम लोग को 10 केसेस पता चल गए हैं और भी जो अपराध इसने किए उसके बारे में भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। टोटल 10 केस अभी तक हम लोग को पता चले हैं इसके बारे में और ये धर्मेंद्र कुमार झा उर्फ DK झा के नाम से भी जाना जाता है और ये बात थाना अंतर्गत इसका घर है और इसको हम औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से पकड़े हैं। जो स्पेशल टीम इसको पकड़ने के लिए बनाई गई थी इसका नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी ने किया और इस टीम में थानाध्यक्ष बात कन्हैया कुमार झा, मुरलीधर शाह DIU टीम से, मिथिलेश कुमार DIU टीम से, हरीश चंद उपाध्याय बात थाना से, मिथिलेश कुमार चौधरी कौशल भारती थानाध्यक्ष औद्योगिक प्रक्षेत्र सुशील राज DIU से, बच्चन कुमार अभिमन्यु प्रकाश कुमार सुनील कुमार अंकित कुमार ये सभी सिपाही हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम सराहनीय काम किया है और एक कुख्यात अपराधी है जो STF की जो टॉप 10 की लिस्ट होती है भागलपुर जिला की उसमें इसका नाम शुमार हुआ है। ये लिस्ट कल ही जारी हुई थी और 24 घंटे में ही हमने इसका पता लगाया। इस टीम ने एक स्पेशल जो टीम बनी थी इसने कार्रवाई की और गिरफ्तारी इसकी सुनिश्चित कर ली गई कल। सर मुख्य रूप से किस तरह के केस इसके खिलाफ? इसके ऊपर रंगदारी डकैती आर्म्स एक्ट सरकारी कार्य में बाधा इत्यादि के धाराओं में केस दर्ज है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूर्णिया पुलिस ने नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते इंटरनेशनल साइबर ठगी का बड़ा खुलासा करते हुए 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी बदमाश अररिया जिला के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 1 बोलेरो, नगद 96,000 रूपए और 6 खाता जब्त किया गया है। SP अमीर जावेद ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सभी साइबर अपराधियों को पाकिस्तान से हैंडलिंग किया जाता है। पाकिस्तान आका ने नेपाल में अकाउंट खुलवाया जिससे साइबर ठगी की राशि जमा की जाती थी। पुलिस ने पूर्णिया के जलालगढ़ से तीनों को धर दबोचा। SP ने आगे कहा कि नेपाल में अकाउंट खुलवाने वालों को जमा राशि का 2% जबकि अररिया के भारतीय एजेंट को 5% कमीशन दिया जाता है। पाकिस्तान से नेपाली खाते में राशि भेजी जाती थी, वहां से भारत के विभिन्न अकाउंटों में रुपया भेजा जाता था। पाकिस्तान से नेपाल के एक खाते में 50 लाख रुपए की राशि भेजने का पता चला है। SP ने कहा कि ये सभी पहले मर्डर कांड से जुड़े थे, बाद में पाकिस्तान एजेंट से फोन के माध्यम से संपर्क कर ठगी गिरोह के कनेक्शन से जुड़ गए। गिरफ्तार अपराधियों में अररिया जिला के कुर्साकांटा थाना वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद रहमान का पुत्र मोहम्मद साकिम, वार्ड नंबर 9 निवासी महादेव प्रसाद का पुत्र सुशील कुमार और फारबिसगंज थाना रामपुर वार्ड नंबर 3 निवासी नामुल हक का पुत्र मोहम्मद शाहनवाज शामिल है। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन रुपया हवाला का है, आतंकी फंडिंग का इसकी गहन छानबीन की जा रही है। पूरा घटनाक्रम इस तरह हुआ कि 1 तारीख को एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल गुम हो गया है जिसमें उनका पेफोन है। उसके बाद हम लोग हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। पेफोन से उनके फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ सामान ऑर्डर किया गया तो हमारी टीम ने रिकी करके जो फ्लिपकार्ट से सामान लेने आने वाला था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके पास से वो मोबाइल तो बरामद हो ही गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि ये फोन चोरी हुआ था, हमने फोन पे का यूज करके इनका सामान घड़ी या जो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ये हमारा काम है। लेकिन
जब इसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया पूरी चीज को, तो ये एक बृहद साइबर फ्रॉड का एक छोटा भाग निकला। साइबर फ्रॉड इस तरह से था कि ये जो तीन आदमी पकड़ाए हैं अभी अररिया के, शहनवाज, साकिम और सुशील, ये तीनों पहले मटर का काम करते थे नेपाल से, उसके बाद पिछले एक साल से ये मटर का काम छोड़ करके साइबर फ्रॉड में शामिल हो गए। और मजे की बात यह है कि इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठता है, वो वहां से पाकिस्तान से उसने अकाउंट प्रोवाइड किया कराया इनको, ये नेपाल जाकर के इन्होंने नेपाली व्यक्तियों से अकाउंट खुलवाया, पाकिस्तान के माध्यम से उस नेपाली अकाउंट में पैसा आता था, उसके बाद वो नेपाली अकाउंट से पैसा, ये तीनों ये एजेंट का काम करते थे अपने हैंडलर के लिए, और वो निकाल करके लाते थे इंडिया से, ये पैसा निकल करके फिर विभिन्न अकाउंट में जाता था, जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर्पस क्या था इस पूरे सिंडिकेट का, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तीनों अररिया से हो रहे हैं सर? ये तीनों जलालगढ़ के आसपास पकड़ाए हैं, जहां वो फ्लिपकार्ट का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन रहने वाले अररिया के हैं। बरामद कैसे हुआ सर? बरामद बहुत सारा एटीएम कार्ड, मोबाइल और पैसा, लेकिन साथ में जो ट्रांजैक्शन इन्होंने पिछले एक महीना में 40 से 50 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक अकाउंट हम लोग पकड़े पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने किया है, वो बरामद हुआ, वो पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई है, और अब हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर मामला क्या था, किस वजह से ये पाकिस्तान का हैंडलर नेपाल के थ्रू इंडिया में पैसा कहाँ भिजवाना चाह रहा था, ये चैनल को हम लोग पूरा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट आदमी के नाम से है जो अभी सब इन्वेस्टिगेशन में, ये इस मौके पर इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू हम लोगों ने किया है, नहीं बोल सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन्होंने बताया कि एक कॉल के थ्रू इनको बात हुई थी पाकिस्तान से, जहां उसने इनको बताया कि तुम नेपाल में अकाउंट खुलवाओ, वहां मैं पैसा डालूंगा। नेपाल का जो आदमी अकाउंट खोलेगा, जो नेपाल का व्यक्ति है, उसको इस अकाउंट का 2% मिलता है, इनको 5% पर एजेंट बनाया गया था, ये एजेंट हैं उस हैंडलर के। तो ये 40 से 50 लाख रुपए जो इसके अकाउंट में, जो फर्स्ट अकाउंट में जो इन्वेस्टिगेट किए, उस पैसे का क्या मतलब, किस लिए उस पैसे का? वो चूंकि वो लास्ट एंड है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन कल ही हमने शुरू किया है, वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के बाद आप लोगों को ब्रीफ किया। कितने महीने से ट्रांजैक्शन हो रहा है? इन लोगों के अनुसार एक साल से ये लोग इस धंधे में, लेकिन वो कितने हैं ये अभी आगे अनुसंधान में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का आपराधिक बैकग्राउंड भी है? फिलहाल इसके बारे में हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग सारा चीज अनुसंधान में लाएंगे। ये मॉड्यूल क्या है, जस्ट फर्स्ट स्टेज का इन्वेस्टिगेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। किस पाकिस्तान नाम कुछ ये डिस्क्लोज किए हैं? पाकिस्तान नाम जो इन्होंने सेव किया हुआ है वो गलत नाम से सेव किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, इसलिए हमको सारे चीजें लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम। कोई शहर है पाकिस्तान? वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। क्या नाम है सर तीनों का? एक का नाम है सुशील, दूसरा शहनवाज, तीसरा शाकिम। तीनों अररिया के? क्या सर आपको क्या लगता है, ये टेरर फंडिंग है या हवाला का रुपया है या? हम प्रिजम्पशन पर कोई बात नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है पूरा इन्वेस्टिगेशन। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में बात आई है हमने आपके साथ शेयर की, आगे जो चीज आएगी इन्वेस्टिगेशन में फिर आपसे शेयर की जाएगी। क्या इसका कभी पाकिस्तान आना जाना भी हुआ है? इन लोगों ने अभी नहीं बताया है, लेकिन इनका पासपोर्ट या और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे तभी हम आपको बता सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग नहीं गए हैं अभी तक, सिर्फ नेपाल से इन लोगों का कनेक्शन था, नेपाल में इनका अकाउंट खुलवाना और फिर उसका पैसे को इंडिया में लाना और इंडिया से फिर उसको वापस पाकिस्तानी हैंडलर के बताए हुए अकाउंट में। सबौर थाना क्षेत्र की चाय टोला गांव में वृद्ध प्रसादी रविदास की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्रों का कहना है कि पास के ही सहदेव रविदास के साथ कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। आज मृतक को थाने पर बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन देर रात्रि पड़ोसी और उनके सहयोगियों के द्वारा वृद्ध रविदास को घर पर ही पड़ोसियों और उनके सहयोगियों के द्वारा गोली मार दिया गया।
इसके बाद परिजन घायल अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती उनके पिता की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उनके पिता की हत्या हुई है। ये मध्य रात्रि का शनिवार की रात की घटना है, जस्ट तो जमीनी विवाद था, तो मेरे बाबूजी का आज यहाँ दोनों को डेट दिया था, यहाँ थाना में बुलाया था आज। मेरा बाबू एविडेंस था, उसके तौर पे मेरे बाबू को ही मार दिया रात में आकर के। क्या की एविडेंस? जमीनी विवाद का आज तारीख दिया था। किससे विवाद चल रहा था? डीलर था, पड़ोसी था मेरा। क्या नाम? सहदेव रविदास। कौन मारा गोली? वही सब लोग है, उसका बेटा है विनोद रविदास, हेमंत रविदास, उसका दामाद भी है। मेरा भैया को उस दिन थाना में धमकाया था, और उसका बेटा लोग है। थाना भी गए थे पहले आप लोग? हाँ, हम लोग को बुलाया था, हम लोग को नोटिस दिया था तो बुलाया था, तो वहाँ उसका आदमी सब आया था, मेरा भैया को भी धमकाया था, वही लोग मेरा बाबू को मारा है। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम प्रसादी रविदास है। कहाँ घर? चाय चकमा मलखा मेरा घर पड़ता है, सबौर थाना। पुलिस अगर कार्रवाई पहले करती क्या हत्या होता? नहीं होता, इसमें बहुत सारा लापरवाही बरती जा रही थी, इसीलिए ही वजह हुआ ये घटना का कारण। 3-4 साल से इस तरह से जमीनी विवाद को निपटारा नहीं किया गया, जिस वजह से मेरे पिताजी का आज हत्या कर दिया गया है, इसमें प्रशासन का भी दोषी मैं मानूंगा। भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने वार्ड नंबर 22 के एसके तरफदार रोड आदमपुर में यूको बैंक के समीप अपनी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1,91,200 रुपये से निर्मित डॉक्टर एस एन तिवारी के घर से अरविंद सिंह तक के घर तक का सड़क का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने कहा कि मैंने अपनी योजना के 100% राशि भागलपुर की जनता की सुविधा के लिए समर्पित कर दिया। मेरी यह कोशिश है कि भागलपुर की जनता के सड़क नाली पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का निदान हो सके। स्थानीय निवासी ने विधायक के प्रति इस सड़क निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। सड़क का उद्घाटन करने आए थे आदमपुर मोहल्ले में, क्योंकि यहाँ बहुत ही जर्जर हालत था, तो हमारा तो काम है कि जनता जो हमको आवेदन देती है कि सड़क नाला बनाने के लिए वह बनाते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन भी करना पड़ता है। उसी संदर्भ में उद्घाटन करने आया था, और आग्रह करेंगे जो लोग इस पर चले बढ़िया से रखे देखें और ठीक ढंग से रख के आगे बढ़ाने का काम। योजना होगा 2 लाख के आसपास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में 9 दिसंबर को 25 बेंच लगाकर किया गया। 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 2 बेंच कहलगांव में बनाए गए। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। पहले वे बांका गए, उसके बाद भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण, सेवक पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद, एडीजे वन अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सीटीएसपी अमित रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों न्यायिक प्राधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। आज की लोक अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले, बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनीय मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने यहाँ हेडक्वार्टर में कुल 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है, 6 बेंच नौगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में। कहलगांव में आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं होगा, चूँकि वहाँ आपराधिक न्यायालय नहीं है, और बाकी नौगछिया और यहाँ पर होगा। हमारे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोग, आप लोग, मीडिया के लोग, सब लोग इसके कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहयोगी रहे हैं और लगातार आप लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। चीफ जस्टिस महोदय भी आज पहले आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम पैटर्न इन चीफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन
कम जेडी वन पटना हाईकोर्ट, ये दोनों हमारे संरक्षक यहाँ उपस्थित होंगे और लोक अदालत को देखेंगे, इसमें शामिल होंगे। ये इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए और यहाँ के कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। सभी भागलपुर इकाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ये तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन सिर्फ मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियाँ दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया, इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएं। BCL सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का आयोजन 12 दिसंबर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया है और सभी टीम भागलपुर की टीम है। आज सभी टीमों को अलग अलग रंगों की जर्सी देकर इस मैच का विधिवत आगाज कर दिया गया। BCL सीजन 2 के मैच IPL के तर्ज पर खेले जाएंगे। मैच में भागलपुर के मिर्जानहाट, बलारी, तिलकामांझी, घंटाघर, बूढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में कप पर कब्जा के लिए भिड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार यादव, श्यामल सिंह, सुजीत कुमार केसी, डॉक्टर नवनीत कुंज, डॉक्टर अर्जुन रहमतुल्ला, शाहरुख, सुधीर मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। मिर्जान के लिए हम IPL के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा सपोर्टिंग मिर्जान की टीम है। कितना में ऑप्शन, कितने खिलाड़ियों को? हमारा ऑप्शन तो नंबर टोटल नंबर ऑफ टीम पे ही, मतलब जितना टीम है मेरा उस टीम पे ही काम सारा चीज़ होता है। ये BCL सीजन 2 है और ये टूर्नामेंट 10 दिन चलेगा। ये नॉकआउट मैच नहीं है, ये लीग मैच है। जो टॉप दो टीम रहेगी जो टॉप पे, वो उसका फाइनल है 21 तारीख को। कौन कौन सी टीम है? इस टीम है बूढ़ानाथ चैंपियंस, घंटाघर, मिर्जान किंग्स, चंपानगर, बरारी दबंग्स और तिलका मांझी। ऐसे कार्यक्रम को कराने का, खेल कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आजकल IPL देख रहे हैं या इंटरनेशनल में बिहार के लड़के लोग नहीं खेल पा रहे, मेरा यही शौक है कि यहाँ के लड़के कोई भी आगे बढ़े, IPL खेले, स्टेट खेले, इंडिया के लिए खेले, यही मेरा एक शौक है कि कोई ना कोई यहाँ से आगे बढ़े। ये सब साल चलते रहेगा? बिल्कुल, हर साल होगा और इसमें हम, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा कि हर साल चलता ही रहे। इसमें जो है 6 टीमें भाग ली हुई हैं और ये BCL 2 है, जो कि आप लोग जैसे कि देखे होंगे कि जो विगत वर्ष जो है BCL 1 हुआ था, इस बार BCL 2 है। और जो IPL की तर्ज पर, जिस तरह IPL में सभी खिलाड़ियों का ऑप्शन के तहत जो है खिलाड़ियों की बोली लगती है, उसी तरह से जो है इसमें भी 6 टीम के जो प्लेयर है सभी की बोली के साथ जो है सभी को अपना अपना जो उनका जो भी रकम होता है, मतलब खेलने के हिसाब से सभी का बोली लगी हुई, मतलब सेम जो है IPL जिस तरह देख रहे हैं ना, बस IPL के हिसाब से ही ये पूरा खेल है। कितनी टीम है इसमें? 6 टीमें हैं और टोटल भागलपुर जिला से ही 6 टीम हैं और भागलपुर ज़िले के ही प्लेयर को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होने के लिए बोले हैं, क्योंकि यहीं से जो है, इसी से जो हम लोग अगले साल जिस तरह से ये BCL 1 हुआ था और इसी से जो है बहुत ऐसा प्लेयर था जो चुन के रणजी वगैरह में गया था, तो हमारे भागलपुर के लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि यहाँ के प्लेयर आगे बढ़ने का जो एक मौका है सभी को और सभी लोग भाग ले रहे हैं।